गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप संडे को एंजॉय कर रहे होगे और फॉर्म फिलिंग कर दी होगी फिल आपने। मैंने भी महाराष्ट्र से फॉर्म फिलअप किया, वो ऑब्वियसली बात है, महाराष्ट्र अपना स्टेट है तो भैया वहीं से फिलअप करते हैं। उसके अलावा फॉर्म फिलिंग या नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन होता है सिलेक्शन लेना। बिकॉज फॉर्म फिलिंग भी हम इसीलिए कर रहे होते हैं कि भैया सिलेक्शन लेना है, तभी हम फॉर्म भर रहे हैं। और आज के टाइम पे जो कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे क्लरिकल का कट ऑफ आरआरबी असिस्टेंट में 78-79 प्लस जा रहा है, ऑफिसर में 62 प्लस जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि भैया स्टूडेंट किस लेवल पे मेहनत कर रहा है। और जो अभी यहाँ पे ये सोच रहा है कि रुक जाओ यार, अभी थोड़ा ठंड पालो, भाई सब गर्मी होगी उसके बाद फिर, तो वीडियो पूरा देखना। एक्चुअली मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की है, जिससे मेरे को ऑफिसर में 60 प्लस और क्लरिकल में 77 प्लस मैं स्कोर कर चुका हूँ, तो मैं वही चीज़ शेयर करूँगा। शायद आप लोग के में से ज़्यादा स्कोर भी आए, तो आप लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज्ञान लेना और ज्ञान देना दोनों अच्छी बात होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते, कोई फालतू बातें नहीं करते। मेरे को लगता है 45 मिनट में 80 क्वेश्चन का टारगेट रखना है और 77 प्लस रखना है क्लरिकल के अंदर। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले आपको टाइम का बाइफर्केशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो विद एक्यूरेसी 100%, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्टिंग से बूस्टअप होगा। स्टार्टिंग आप पूछोगे कैसे भाई, 10 मिनट में हमें पता है सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क का चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आता है, 5 मार्क का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है क्लरिकल के अंदर, और उसके अलावा 5 मार्क का हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मिलती है। इसकी अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस कर दी तो हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें पता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हलवा वाले आते हैं, हम देखते हैं मार्क, तो इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन को हम 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग को मैं अगर अंकुश लांबा सर की जो मेथड है उससे सॉल्व कर रहे हो, तो आपको हार्डली 2 मिनट लगेगा, हुए 3.5 मिनट और क्वेश्चन हो गए 10 मिनट, 10 क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद आप, मैं बोलूँगा भैया कि कोडिंग अपना वो क्या बोलते हैं सिलॉजिज्म, उसमें ओनली आ फ्यू के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, बिकॉज वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने हैं। तो उसकी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 5 क्वेश्चन सिलॉजिज्म के बनाने में आपको मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगेंगे, उस 2 या बहुत हो गया तो 2.5 मिनट, 3.5 मिनट और 2.5 मिनट आपके हो गए 6 मिनट। 6 मिनट में 15 क्वेश्चन और उसके आपके 4 मिनट बच रहे, 4 मिनट के अंदर आपको अल्फा न्यूमेरिक, क्योंकि मुझे लगता है अगर प्रैक्टिस की तो वो 2 मिनट के क्वेश्चंस नहीं होते, 2 से 2.5 मिनट, तो 8.5 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये क्लरिकल की एग्जाम है, तो यहाँ पे कैसा है कि आपको पजल या सिटिंग अरेंजमेंट 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे जो 1.5 मिनट का टाइम बचता है, उसमें छोटी पजल आती है 3 मार्क की, अगर वो स्टार्टिंग में आपको दिख गई तो स्टार्टिंग में कर देना, नहीं तो रोक देना। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, उसको अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन का सेट बनता है। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, तो 1.5 मिनट वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो पूरा क्वेश्चन, मतलब 10 मिनट के अंदर आप 23 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब आप सोचो 10 मिनट में 23 क्वेश्चन, और कोई बंदा अगर 10 मिनट के अंदर पजल में अटक गया तो वो वैसे ही कॉम्पिटिशन से आउट हो जाता है। उसके बाद आपको तुरंत स्विच मारना है और मैथ्स के सेक्शन में जाना है। और आपको पता है क्लरिकल के अंदर 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, अगर उसकी प्रैक्टिस कर ली तो 5 मिनट के अंदर पूरे 15 क्वेश्चन बनते हैं। 5 मार्क का आपका रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ सकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत ही गंदी है तो उसमें आपको टाइम लग सकता है, तो उसको मैं बोलूँगा भाई आप लेटर प्रेफर करना। उसके अलावा क्या है कि आप उस टाइम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या डीआई बहुत हलवा आता है, तो उसको सॉल्व कर देते हो, तो उसको सॉल्व करने में आपको बार ग्राफ का पूछता है या सिंगल पाई चार्ट का डीआई पूछता है, तो उसको सॉल्व करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 2.5 मिनट, मतलब बेसिकली 7.5 मिनट में 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद आपके जो बचे 2.5 मिनट है, उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम तो माइनस माइनस वाले आते हैं, तो सीएनडी हम मार्क करते हैं, वैसे 2 क्वेश्चन मिलते ही है, उसको आग बंद करके हम मार्क कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बहुत हो गए खुद लगने चाहिए। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो ये लोग नए वाले लोग होंगे तो थोड़ा समझ जाना। तो बेसिकली आपके 15 क्वेश्चन हो गए अप्रोक्सीमेशन के, 5 हो गए डीआई के, 5 हो गए आपके क्वाड्रेटिक के, आपके टोटल हो गए हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट के, 25 यहाँ पे, 23 वहाँ पे, 48 क्वेश्चन आपके हो गए हैं 20 मिनट, अभी भी आपके 25 मिनट बाकी है। अब आपको जाना है आपके पजल, जहाँ पे
इतनी इतनी लाइन की पजल होती है, तीन तीन चार चार लाइन की, आप उठा के देख लो पेपर, इजी लेवल पूछता है, उसको सॉल्व करने में 2 मिनट या 2.5 मिनट मैक्स टू मैक्स लगता है। ऐसी अगर 3 पजल आप बना दिए तो 15 क्वेश्चन आप लेके जा रहे हो वहाँ से। उसके बाद एक छोटी पजल आती है अनसर्टेन वाली, पूछ सकता है, या 6 लोग दे दिए, उनका वेट दे दिया, उनकी हाइट दे दी, उनकी एज दे दी, तो वो कौन ऑर्डर रैंकिंग वाली पजल पूछते 3, वो बहुत ईजी होती है। तो अगर आपकी कमांड है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये पूरा सॉल्व करने में, 17 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट लगेंगे। मतलब आपके 31 मिनट हुए हैं और आपके 70 मतलब 65 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब 15 क्वेश्चन में आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन बचे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन वो हो गए, उसके अलावा आपके मिसलिनियस के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ ब्लड डिविजन के, तो उसको अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसको किस तरीके से, अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, इतने हाई लेवल पे नहीं पूछता है। आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, मैं खुद दे चुका हूँ, मुझे आइडिया है। तो उसके अगर आप में बेसिक, जो बेसिक लेवल है वो भी पढ़ के गए ना, तो आप 15 में से 10 क्वेश्चन जो आते हैं आपके अरिथमेटिक के, उसमें से आप 8 क्वेश्चन बना सकते हो। और ब्लड डिलेशन ऐसा है यार, उस दिन आपका मूड कैसा है, क्योंकि ब्लड डिलेशन बहुत ट्रिकी पूछ सकता है और ईजी भी पूछ सकता है। तो अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ, तो आपके पास 10 मिनट में आप लास्ट के 15 में से आप 12 क्वेश्चन बना सकते हो। तो मतलब आप अटेम्प 76 से लेके 780 तक कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी एंड योर स्पीड। ये मेरी अप्रोच थी, मैं ऐसे ही पेपर को सॉल्व करता था। अब आप भी इस चीज़ को, अप्रोच को यूज़ करके देख लो, अगर नहीं अच्छी लगी तो साइड से निकाल दो, अगर अच्छी लग गई तो आपका फ़ायदा, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये मेरा कहना है। अब बहुत लोग पूछते हैं भैया कि कौन सा सोर्स बढ़िया है, कौन सी मॉक टेस्ट बढ़िया है, तो मैं बोलूँगा मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक की ट्राई करो, काफ़ी अच्छी मॉक टेस्ट है और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे देखना, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राम राम।